रामगढ़ से होकर गुजरने वाली झारखंड की लाइफलाइन NH-33 पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य ने भी गंभीर स्थिति में रिम्स जाने के क्रम में दम तोड़ दिया, जिससे करीब 3 घंटे तक परिजनों ने प्रदेश के लाइफलाइन का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। ये हृदय विदारक दुर्घटना रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के नया मोड़ के समीप हुई है। इस सड़क दुर्घटना में 2 नाबालिग की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक और गंभीर की मौत सदर अस्पताल रामगढ़ से रांची स्थित रिम्स रेफर किए जाने के क्रम में हो गई। घटना के अनुसार मोटरसाइकिल की टेलर से जोरदार टक्कर हुई, जिससे 2 नाबालिग की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। इस सड़क दुर्घटना में 3 मृतक कुज्जू दिगवार निवासी हैं। घटनाक्रम के तुरंत बाद मृतकों के परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को नया मोड़ के पास करीब 2 से 3 घंटे बंद रखा। मांडू सीए एवं स्थानीय मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने घटनास्थल पर पहुंचकर सरकारी प्रक्रिया के तहत परिजनों को मुआवजा की राशि देने की बात कर जाम को खाली करवाया और आवागमन सामान्य करवाया। इस मौके पर मांडू विधायक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस बड़ी दुखद घटना में मेरी शोक संवेदना मृतक के परिजनों के साथ है। निश्चित रूप से जो मैं सामने देख रहा हूँ आप भी है, कहीं ना कहीं बड़ा दुखद घटना है। जो लोग बता रहे हैं कि 2 तो स्पोर्ट कर गए, पहले उन दिवंगत आत्मा की शांति का मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों को भगवान हिम्मत ढाढ़स बांध, भगवान उनको सहने का शक्ति दे और इस दुख के घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं।